अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं फ्रेश कप अलकूब ताजिज, यहाँ पर फ्रेश चाय मिलती है, फ्रेश जूस मिलता है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके पास क्या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने दिन यहाँ पर उम्रे पे रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पीनी होती तो हम इन्हीं के पास आते थे। चाय इनकी बहुत ज़बरदस्त है, सफ़वा टावर पर है। हम इनसे बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक भाई, माशाल्लाह। मोहम्मद रफीक भाई, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बांग्लादेश का हूँ। बांग्लादेश से, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आपको कितने साल हो गए? इधर मेरा 10 साल हुआ। माशाल्लाह, 10 साल से आप इसी दुकान पर है? नहीं, मैं पहले ऊपर काम करता था। अच्छा, माशाल्लाह, अभी इधर दुकान पर। सही, पहले ऊपर काम करते थे किसी के पास? जी, ऊपर किसी के पास काम करते, होटल में। अब ये आपकी अपनी दुकान है या आप काम करते हैं? दुकान है। तो ये दुकान आपकी अपनी है माशाल्लाह। जी जी, मैं पहले ऊपर काम करता था, 2022 चला गया, बाद में वो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा के ये दुकान ले। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपने पैसे जमा करके अपनी दुकान ले ली। ये सब जो आपके साथ काम करते हैं आपके अपने ही भाई है? जी, हमारा ये मेरा भाई है, ये हमारा मुल्क का ही है। माशाल्लाह, वो आपका भाई है, ये आपका मुल्क है, मतलब अपने ही मुल्क के आपने उनको एक तरीके से समझिए आपके ज़रिए उनको रोज़गार मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में रिस्क में बरकत दे, रहमतें दे, आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको तासलामत, आमीन, हर किस्म की टेंशनों से परेशानियों से आज़ाद रखे। अच्छा, आपके पास क्या क्या होता है? मेरे पास चाय है, कॉफ़ी, जूस, कैपेचिनो, कॉफ़ी लाती, आइस कॉफ़ी, टी आइस, वही तो सब चीज़ है हमारे पास। माशाल्लाह, डोनट है, क्रोसन है, केक चीज़ है, पुनावा चीज़ है, सब चीज़ है, ऐसा सब चीज़ मिलता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर आपको कैसा लगता है कि आप यहाँ पर हर मुल्क का लोग है? यहाँ बांग्लादेश के लोग भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तान भी हैं, जापनीज़ भी हैं। आप ज़्यादातर यहाँ पर कौन से ममालिक के लोग हैं? इधर सब ममालिक के लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया, माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह यहाँ पर रह कर तो माशाल्लाह तकरीबन आपको ज़बान आती होंगी? इधर बहुत अच्छे है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मक्का में रहता है मैं, ये तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है, मेरा नसीब भी अच्छे है, मक्का में रह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है, यहाँ के लोग आपने कैसे पाए? हमने तो बहुत अच्छे पाए, आप इतने साल से रह रहे हैं। मैं अच्छा हो, मेरा साथ जो बंदा है वो भी अच्छा बन जाएगा, लोग का साथ में अच्छे से बात करेगा, वो दिल से बात करेगा, मोहब्बत करेगा, वो सब लोग मेरे भी मोहब्बत करेगा, मेरा दिल का साथ भी मिल जाएगा। सही बात है, जैसे आप खुद हो गए वैसे ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ताला सबको अच्छा मौजूदा मिलना चाहिए, दिल भी अच्छा होना चाहिए, बात करना भी अच्छे से, तो सब अपना सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका घर इधर ही है? मेरा घर इधर नहीं है, मेरा घर इधर, मेरे मामा है, मेरा फैमिली इधर ही रहता है, मेरा साथ ही। अच्छा, माशाल्लाह, आपकी फैमिली यहीं पर है, बांग्लादेश से इधर आ गई है? तो फैमिली लाना यहाँ पर मुश्किल है या आसान है? थोड़ा सैलरी होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, फैमिली इधर रखना है तो कम से कम 5,000 रियाल होना चाहिए सैलरी। अच्छा, महीने का? हाँ, महीने का। माशाल्लाह, तो ऐसे करके चलेगा। सही, यानी कि फिर आप बेफिक्र होकर रहेंगे अगर आपके पास यहाँ फैमिली है और आपकी आमदन अच्छी है, तकरीबन 5,000 रियाल अगर है तो आप अच्छे से यहाँ पर गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक दुकान अगर बंदा यहाँ पर कारोबार करना चाहे तो तकरीबन उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो वो काम शुरू कर सकता है? ये मेरा ये दुकान का सऊदीया का 5 लाख रियाल एक साल का इजार है। 5 लाख रियाल? जी, पहला 2 लाख 2.5 लाख रियाल पहला देना चाहिए, बाद में रमजान का पहला
वो 2.5 लाख देना चाहिए, 1 लाख ना 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 2.5 लाख रमजान से पहले, क्योंकि रमजान में सीजन होता है तो फिर वो सही सही बात। 5 लाख रियाल हो तो आप यहाँ पर आके अच्छा सा कारोबार कर सकते हैं। में बिजनेस करेगा ना तो 2-3 लाख रियाल से भी बिजनेस बन जाता है। इसी मुल्क में ही, सऊदी में? सऊदी में ही। कोई और बिजनेस करेगा? हाँ, कोई बिजनेस करेगा, बस 2-3 बंदा मिल के करेगा, ये भी थोड़ा से हो जाता है। यहाँ पर सबसे अच्छा बिजनेस किस चीज़ का होता है? यहाँ पर सबसे अच्छा बिजनेस का खाना पीना और थोड़ा जाना नमस्कार मुसलमान जानमाज वो बुकरा अबाया बोलते हैं उसको अरबी में, अबाया जी, ये चीज़ का थोड़ा ज़्यादा चलता है। सही सही। वो बंदा मुल्क के लिए हादिया लेके जाता है, नमस्कार मसला तुझ भी पहला, इसलिए इधर थोड़ा ही चलता है। सही सही। ये लो ऊपर से रेड कप लिखा ना, ये पूरा ऐसा लो, ऐसा यहाँ से लो, आ गया इसका। ये जब तक कस्टमर को डील कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये सर ये इनकी आसपास की दुकानें हैं, इन्हीं के साथ होती हैं दुकान। आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी, हमने इनका इंटरव्यू लिया था हसन लिखता मोर। ये खाने की बैठने की कर खाने की जगह है। ये फ्रेश कूब है। तो रफीक भाई, फिर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कोई भी आपके जहन में जो बात हो लोग क्या, मैं ऐसे